वर्णन किया कि कोई भी आप उपवास करते हैं उस दिन दांतों नहीं की जाती। फिर क्या किया जाता है? कहा गया कि इस वाली उंगली से दांतों को ऐसे ही घिसा जाता है। वह एक दांतों ने वो तो मिलती नहीं है, वो सब जगह उसका है, वो है, वो उसका नाम मेरे दिमाग से उतर जाता है, अभी मुझे ध्यान में आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। ये पेस्ट तो है, ओंगा हाँ वो ही है, उसको हमारे ऊँगा बोल देते हैं, ऊँगा वो है। ये पेस्ट वेस्ट तो मत करना है यूज बिल्कुल, इसमें व्रत खंडित हो जाएगा, बिल्कुल मना किया गया है। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन भी दांतों नहीं की जाती। व्रत कर रहे हैं तब, नवरात्रा कर रहे हैं, पड़वा को दांतों नहीं, अमावस्या, नवमी, छठवीं, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इसमें दांतों नहीं की जाती। कटीले पेड़ों से कपास, निगुंडी, पलास, बिल्व, इनसे भी दांतों के लिए मना किया गया। इसके बाद प्रसन्न मन से बोला गया है कि शिवजी अथवा भगवान विष्णु के मंदिर में स्नान के तत्पश्चात आप जाइए। इतना सुंदर लिखा है, आपने कभी भी भगवान को पान का पत्ता ना चढ़ाया हो, पान में तीन चीजें रख करके आप भगवान के चरणों में चढ़ाएं। पूरा कार्तिक का महीना पान के पत्ते में तीन चीजें, सुपारी कटी हुई नहीं, साबुत, साबुत एक सुपारी रखिएगा, एक इलायची रखिए और एक लौंग रखिए। लौंग जब उसको पान का बीड़ा बनाते हैं तो ऊपर से उसमें लगा दीजिएगा। एक पान का पत्ता, चाहे आप शंकर जी के मंदिर में गए तो वहाँ चढ़ा दीजिए, भगवान विष्णु जी के मंदिर में गए हैं तो आप वहाँ चढ़ा दीजिएगा। इसमें वर्णन किया गया कि इसके द्वारा परिवार द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ता है, बहुत भारी वृद्धि होती है। और इसमें सबसे बड़ी और बात है कि हर चीज का, जैसे दिया जलाते हैं तो इससे ज्ञान की वृद्धि होती है, भोग लगाते हैं आयु की वृद्धि होती है, और जब भगवान को हम पान का बीड़ा चढ़ाते हैं, पान चढ़ाते हैं, तो इससे जरूरतमंद चीज़ों की तत्काल पूर्ति हो जाती है। जैसे आप किराए के मकान में रह रहे हैं, अपना मकान चाहिए, अपनी दुकान चाहिए, अपना ऑफिस चाहिए, नियम से इस कार्तिक के महीने में एक पान ये चीज़ें रख करके आप चढ़ा दीजिएगा, आपको सब अपनी चीज़ें, आपको अपनी गाड़ी मिल जाएगी, आपको अपना मकान मिल जाएगा। इस ग्रंथ में बात लिखी है, एक बार इसका दर्शन कर लो। ये कार्तिक मास में इसकी बहुत बड़ी महिमा है, तो ये आप चढ़ाएं तो ये है। इसके द्वारा भुक्ति, भुक्ति का मतलब है ऐसे भुक्ता की चीज़ें जो उसकी आपको ज़रूरत है। अब आप ये कहें, कोई शराबी कहे कि मुझे तो बोतल मिले तो गारंटी नहीं है, हाँ कहीं वो ये सोचे कि उसने तो बोल दिया कि ज़रूरत की, मुझे तो इसकी ज़रूरत है, तो ये चीज़ें तो नहीं मिलेंगी। हाँ, आप सात्विक सनातनी लोग हैं तो यम यम चिंतते कामन तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो तुम सोचोगे। एक बात मैं और बोलूं, पान चढ़ाने से तो बच्चे की चाहत रखने वाली देवी को संतान मिलेगी, और यदि कोई कन्या ये चढ़ाती है तो उसको सुंदर घर और वर की प्राप्ति होगी। संसार की भुक्ति के लिए कार्तिक मास में भगवान को पान, सुपारी, लवंग और इलायची के सहित चढ़ाएं, तांबूल से भगवान अति प्रसन्न होते हैं, ऐसा वर्णन है।